Good morning, students. As you know, I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the EBS of the 5th standard. In last time, we have completed the chapter Seed Becomes a Plant. Let us start the question answer of the chapter. हमने Seed Becomes a Plant पूरा अच्छी तरह से explain मैंने आपको कर दिया था. If you have any query, you can consult with me. अब हम लोग question answers करेंगे. Then take out your books and टेक आउट ऑल्सो पेन पेंसिल नोटबुक. जितने भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ बेटा, यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी. ओके, तो आप बाकायदा अच्छी तरह से फेयर कॉपी में काम करेंगे. अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पेज नंबर 63 निकालिए आप. फर्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टडी द पिक्चर, गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट. यह आपको पोटैटो बने हुए होते हैं और पोटैटो का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? स्टेम. ओके, नाउ नंबर टू, नेम थ्री प्लांट्स दैट हैव ओरिजन इन फॉरेन कंट्रीज. ऐसे आपको तीन प्लांट्स के नाम बताने हैं, तो वो कौन कौन से हैं जो कि आपको फॉरेन कंट्री से हमने अडॉप्ट किए हैं. ठीक है, उसके तीन के अगर अपन नाम देखे जाए तो टी, कॉफी और लेडी फिंगर. आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं टी नंबर वन, दूसरा कॉफी और तीसरा आपका लेडी फिंगर. अगर अपन देखा जाए तो टी आपकी कहां से आई है? चाइना से. एक मिनट, हाँ, चाइना से आई है. और ये दोनों जो चीजें हैं वो अफ्रीका से आई है. कहां से मिला है? अफ्रीका. उसके बाद में लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन यानी कि एक्सपेक्शन डिस्कशन. वॉट इज मी, थर्ड क्वेश्चन है, वॉट इज मीन्ट बाय डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. और इसके आंसर के लिए आप चलिए पेज नंबर 57 पे. हम 57 पर जब आ जाते हैं तो यहाँ देखिए बेटा, आप डिस्पर्जल ऑफ सीड लिखा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. नाउ स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दैट. द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड. ये आपका थर्ड का आंसर है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स. पेरेंट प्लांट से दूर जब बीज चले जाते हैं उसको हम कहते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, नेम एनी फोर एजेंट ऑफ डिस्पर्जल. डिस्पर्जल के आपको चार एजेंट बताने हैं, तो आंसर नंबर फोर आप क्या लिखेंगे? नेम एनी फोर एजेंट ऑफ द डिस्पर्जल. विंड, वाटर, विंड वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल्स. विंड, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फोर एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम टू प्लांट्स ईच दैट रिप्रोड्यूस थ्रू. फिफ्थ क्वेश्चन है आपकी रूट से कौन कौन से होते हैं, उसके आपके दो एग्जांपल हैं. यहां आप देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका रूट से कौन कौन से होते हैं. एक आता है आपका स्वीट पोटैटो और दूसरा लिखेंगे आप कैरेट. दूसरा आपने लिख दिया उसका कैरेट. नंबर टू, बी जो पार्ट है उसके अंदर आपका क्या लिखा हुआ है? अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम अगर हम देखते हैं तो एक आता है पोटैटो और दूसरा इसका एग्जांपल है आपका अनियन. ठीक है, सी आपका आता है फर्न का आ जाएगा, सॉरी स्पोर्स, है ना, एस पी ओ आर ई एस, स्पोर्स. स्पोर्स रिप्रोड्यूस बाय
फर्न एंड मास, किससे होता है? फर्न और मास से. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फिफ्थ क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट द सिक्स्थ क्वेश्चन. हाउ डू द फॉलोइंग हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. देखिए सिक्स का ए है विंड, मतलब आपका आंसर क्वेश्चन है कि किस तरह से जो है विंड आपकी हेल्प करती है डिस्पर्सल ऑफ सीड में. उसके लिए आइए पेज नंबर 57. दिस इज द 57. 57 में आप यहां देखिए विंड दिख रहा है आपको. उसके बाद में लिखिए सम सीड्स आर लाइट एंड हैव स्पेशल टफ्ट्स ऑफ एयर और विंग्स दैट हेल्प देम टू बी कैरीड अवे बाय द विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. यानी कुछ जो बीज होते हैं आपके लाइट होते हैं और स्पेशल उसमें हेयर का गुच्छा होता है या विंग्स माने पंख होते हैं और ये चीजें उसको मदद करती है कि वो हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह चला जाए. अब है वाटर. दूसरा आपका वाटर कह रहा है कि वाटर किस तरह से हेल्प करता है. उसके लिए आइए पेज नंबर 58. है ना, वाटर के लिए अब यहां से आइए. देखिए ऊपर से फर्स्ट से वाटर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड प्लांट्स लिविंग इन वाटर और ए प्लेस नियर इट. ठीक है ना, वाटर जो क्या करता है, जो पानी में रहते हैं पौधे या पानी के पास में रहते हैं उसको डिस्पर्सल में वाटर मदद करता है. द लोटस फ्रूट हैव ए स्पॉन्जी पार्ट. लोटस फ्रूट में स्पॉन्जी पार्ट होता है. एंड कोकोनट फ्रूट हैव ए थिक फाइब्रस कोट. कोकोनट फ्रूट में एक मोटा रेशे वाला उसकी कवरिंग होती है. दीज स्पेशल पार्ट्स अनेबल द लोटस एंड कोकोनट फ्रूट टू फ्लोट ऑन वाटर. और यही दो स्पेशल पार्ट्स होते हैं, स्पेशल उसकी आइडेंटिटी होती है जिसके कारण लोटस और कोकोनट फ्रूट जो होते हैं वो पानी में तैरते हैं. यहाँ तक आपको लिखना है. आफ्टर दैट कम एनिमल्स. 58 पे ही आ जाइए आप. एनिमल्स ये है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट जूसी एंड फ्लैशी फ्रूट लाइक मैंगो एप्पल एंड वाटरमेलन एंड थ्रो अवे देयर सीड्स. जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो जूसी और फ्लैशी फ्रूट खाते हैं और उसके अलावा वो मैंगो एप्पल वाटरमेलन जैसे फ्रूट को खाते हैं और उनके बीज को फेंक देते हैं. तो दिस इज द थिंग. एंड नाउ नेम द ईडेबल पार्ट, रूट और स्टेम, लीव्स और फ्रूट ऑफ द फॉलोइंग. अगर अपन ये देखते हैं ईडेबल पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका. तो 7 क्वेश्चन नंबर पर देखिए, कैरेट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है. तो कैरेट का आपका कौन सा हो गया, रूट, स्पिनेच, जो स्पिनेच होता है उसमें आपका होता है लीफ, ऑनियन, ये आ गया आपका स्टेम, पटैटो, ग्रेप्स और रेडिश. अब ये आपका पटैटो, ग्रेप्स और रेडिश. पटैटो आपका स्टेम होता है, ग्रेप्स आपका मालूम है सबको कि फ्रूट होता है और रेडिश आपका जो होता है वो रूट होता है. अगर उसके बाद हम चलते हैं टमाटो, लेट्यूस और जिंजर्स, तो उसको हम करेंगे देखिए यहाँ ले लेते हैं. टमाटो, लेट्यूस और जिंजर. अब टमाटो की अगर बात करते हैं तो टमाटो आपका क्या होता है बेटा, फ्रूट होता है. उसके बाद में हम लोग लेट्यूस की बात करते हैं तो दैट इज द लीफ, और जिंजर की बात करते हैं तो दैट इज द स्टेम. नेम द 8th क्वेश्चन पे आइए आप. यस, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए 7th वाले को. लेट अस स्टार्ट द 8th क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट द 8th क्वेश्चन. नेम द प्लांट्स हूज सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, विंड, वाटर एनिमल और एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. तो अब सबसे पहले अगर इसके अंदर आता है आपका पी पॉड.
पी पॉड का क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया आपका पी पॉड। पी पॉड का आ जाएगा आपका एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। सेकंड आपका आता है यहाँ पे मैंगो। एक मिनट, हाँ पी पॉड हो गया कॉटन और वाटरमेलन। देखिए ये आपका हो गया कॉटन। कॉटन आपका होता है विंड के द्वारा। उसके बाद में आपका आता है एनिमल्स। एनिमल्स की अगर हम बात करें, सॉरी वाटरमेलन, हम बात करें वाटरमेलन की तो उसका आ जाएगा आपका एनिमल्स। वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं दे आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एनिमल। दिस इज योर 8th क्वेश्चन नाउ। मैंगो बालसम डैंडोलियन। देखिए मैंगो बालसम डैंडेलियन। मैंगो आपका फ्रूट होता है और किसके द्वारा होता है वो? डिस्पर्स एनिमल्स के द्वारा। बालसम आपका एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स हो गया। उसके बाद में डैंडेलियन अगर आपका आता है तो इट इज डिस्पर्स्ड बाय द विंड। उसके बाद में हम लोग आते हैं बेटा कोकोनटस लोटस। कोकोनट और उसका आता है लोटस। कोकोनट और लोटस है तो अभी कोकोनट का मतलब कहाँ से हो गया इसका? वाटर, डिस्पर्स बाय वाटर। और ये भी आपका वाटर के द्वारा डिस्पर्स होता है। हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाई डू प्लांट्स नीड टू स्कैटर सीड्स। प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स को क्यों जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। मतलब क्या जरूरी है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, दीज आर द सेम थिंग, तो क्यों जरूरी है? तो अब आप हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स नीड टू स्कैटर सीड्स बिकॉज दे कैन नॉट मूव देयर ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड नंबर टू इफ दे डू नॉट स्कैटर दे विल मेक अ क्राउड एंड, और जब अगर प्लांट्स की क्राउड हो जाती है तो एक जगह सारे प्लांट्स अगर हो जाएंगे तो दे विल कम्पीट विथ ईच अदर इन वाटर सनलाइट एंड वाटर सनलाइट फूड एंड मिनरल। तो आपका क्या हो जाएगा? प्लांट्स नीड टू स्कैटर सीड्स बिकॉज आंसर नंबर देखिए 9 करिए आप। प्लांट्स नीड टू स्कैटर सीड्स स्कैटर सीड्स बिकॉज नंबर 1 दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन अपने आप तो एक जगह तक जा नहीं सकते। दूसरा इफ दे जर्मिनेट दे जर्मिनेट इफ दे ऑल जर्मिनेट एट वन प्लेस दे विल कंपीट। कंपीट का मतलब एक दूसरे से तुलना करेंगे, मतलब एक मारा मारी रहेगा, वो भी उसको भी पानी चाहिए मुझे भी पानी चाहिए। दे विल कंपीट ईच अदर
for space, water, minerals एंड फूड. इन सब चीजों के लिए वो एक दूसरे से कंपीट करेंगे. मतलब इफ दे जर्मिनेट एट वन प्लेस दे विल कंपीट ईच अदर फॉर स्पेस वॉटर मिनरल्स एंड फूड. हो गया आपका. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. What is vegetative propagation? Page 10th question है आपका. What is vegetative propagation? 10th question पे आ जाइए आप. Page number 59. देखिए, this is the page number 59. First line में देखिए, the method of obtaining new plants from the leaves, stem and roots of the parent plant is called vegetative propagation. वो method जिसके द्वारा हम नया पौधा उस पौधे की parent पौधे की लीफ स्टेम या रूट के द्वारा लेते हैं, प्राप्त करते हैं, दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वहां तक आपको लिखना है. आफ्टर दैट कम टू द 11th क्वेश्चन. हाउ डू द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो आपको ये बताना है कि किस तरह से जो है ये प्लांट्स ग्रो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में. पटेटो 11th कौन सा है आपका. 11th क्वेश्चन है पटेटो के अंदर हो गया था कि पटेटो प्लांट इट ग्रोज बाय स्टेम. दूसरा आ जाता है आपका ब्रायोफिलम. ब्रायोफ्राम आ जाएगा. इट ग्रोज बाय लीव्स. ये पत्तियों के द्वारा होता है. थर्ड नंबर आता है रोज. इट ग्रोज बाय स्टेम कटिंग. इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक डाली लेते हैं, उसको कटिंग करते हैं और प्लांट में मिट्टी में जो सॉइल होता है उसमें डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं. आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम्स वी गेट द बर्ड्स ऑफ द रोज प्लांट एंड इन दिस मैनर रोज प्लांट जर्मिनेट हो जाता है. हो गया 11th क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड बेटा. नाउ लुक एट द गिवन पिक्चर ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फ्रेम 3 क्वेश्चंस टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. ठीक है, आपको 3 क्वेश्चंस बनाने हैं और ये क्वेश्चंस आप खुद बनाएंगे, दैट इज योर होमवर्क. ठीक है, अगर नहीं आया तो पूछेंगे आप, मैं बता दूंगी, डोंट वरी. हाउ विल यू ऑब्टेन न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए स्वीट पटेटो. 13 नंबर क्वेश्चन है आपका. 13 नंबर का क्वेश्चन है, वो पेज नंबर 59 पर है. देखिए, न्यू प्लांट फ्रॉम रूट है ना, यहां लिखा है. तो 13 क्वेश्चन का आंसर है टेक ए स्वीट पटेटो and insert toothpick in it on the four sides and take a glass filled with water and place the sweet potato on the mouth of the glass in such a way that the lower part of the sweet potato remains immersed in the water. Put this glass at a place where it gets fresh air and sunlight. After a few days, roots come out of the sweet potato. Soon, small plants grow out of it. तो इस तरह से आपको ये एक्सप्लेन यहां तक करना है और यू हैव टू ड्रॉ दिस न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. और ये जो दो ग्लास वाला डायग्राम है यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक, साइंस नोटबुक. अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है अपन 15 पे. 15 पे अगर अपन देखते हैं कि वी मस्ट टेक अ प्लेस दैट वी विल प्लांट टू ट्रीज एवरी टाइम वी कट डाउन आर ट्री. वाई क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बेटा. क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि हम लोगों को एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जब भी हम एक पौधा काटेंगे, एक प्लांट काटेंगे, हम लोग जो होते हैं वो दो प्लांट्स लगाएंगे. क्यों क्यों कराएंगे? बिकॉज विदाउट प्लांट लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल. क्यों? क्योंकि पौधों के बिना जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी. बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दे मेंटेन द बैलेंस बिटवीन
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, लेकिन हम लोगों को क्या है जो हॉट क्वेश्चंस होते हैं बेटा उसका लेंथी आंसर नहीं होता है, उसका एक सटीक जवाब होता है और आपको वही लिखना होता है। ओके तो हॉट का मतलब ये होता है कि ऑन द स्पॉट आप तुरंत जवाब दे सकें। तो 15 का आंसर होगा दिस इज बिकॉज without plant life will not be possible on the earth क्यों? क्योंकि है ना लाइफ जो होगी वो उसके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी धरती पे। अगर पौधा नहीं है तो हम भी नहीं है और जिंदगी नहीं है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट। हम के पास अगर पौधा ही नहीं है तो कुछ उसमें फसल नहीं बनेगी, हम खाएंगे क्या, हम सांस कहाँ से लेंगे, ना खाने को है ना सांस के है, ठीक है ना। और अगर पौधे नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, हमारे पास में रेन वाटर भी नहीं मिलेगा। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होतेंगे उतने ज़्यादा रेन वाटर भी आएगा हमारे पास। तो जब पानी नहीं है, हवा नहीं है और खाना नहीं है तो हम तो मरेंगे ना बेटा। तो प्लांट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस। एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आपको दो जो है ना वो डायग्राम बनाना है, एक आपको जो मैंने अभी स्वीट पोटैटो का बताया था और दूसरा डायग्राम आप अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे, कौन सा, जर्मिनेशन ऑफ सीड, पेज नंबर 56 जर्मिनेशन ऑफ सीड का भी एक डायग्राम आप अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे बेटा। इसके अलावा आपने मैंने स्वीट पोटैटो का बता दिया आपको, ये आपको बताना है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड। अभी इतना ही ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम लोग और देखेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। थैंक यू बेटा। हाँ एक बात और, आप जितना हो सके इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके और अगर प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करिए टीचर से।